अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सो यू हैव द मोस्ट वेलकम इन दिस लेक्चर। तो एज यू आर अवेयर, जो हमारा लास्ट लेक्चर था दैट वाज अबाउट दिस एजम्प्टोट्स। तो उस पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज एक्चुअली दिस एजम्प्टोट, है ना। तो आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो बिफोर गोइंग ऑन एक्सरसाइज, व्हाट इज नाउ एजम्प्टोट, आप लोगों ने कहा था कि जो एजम्प्टोट है ना, इट इज एक्चुअली ए स्ट्रेट लाइन विच इज एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, एंड इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन द कर्व the distance between the point and the line approaches to zero as the point approaches to infinity. ye kaha na aap log ne, if we have a cartesian coordinate system like this, this is x axis and this is our y axis, and where our coordinates are like this, x o x prime, y o y prime, hai na। ye agar hamare paas ek curve thi like this, ye hamare paas ek function thi y is equal to f x, तो हम सर ये वाली जो लाइन है ना, ये वाले लाइक दिस 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 लाइन लाइक दिस दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड एजम्प्टोट, है ना। दिस ए एंड ए डैश, क्योंकि अगर हम इस पे पॉइंट लेंगे पी, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट ऑन द कर्व एंड द लाइन अप्रोचेस टू आर्म बट नेवर कट्स टू ईच अदर, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एजम्प्टोट ऑफ ए गिवन कर्व, है ना। ये कहा था ना आप लोगों ने, एजम्प्टोट ऑफ ए गिवन कर्व इज ए लाइन विच इज एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, but if we take any point on the curve and the line, as the point approaches to infinity, line approaches to zero. The distance between the line and the curve approaches to zero. lekin aap logon ne us din kaha tha beta ki sir jo ye asymptote hai na, ye line, it may be parallel to x axis, it may be parallel to y axis, or it is neither parallel to x axis nor parallel to y axis, that was called oblique asymptote or slant asymptote, theek hai na। तो बेटा आप लोगों ने कहा था कि एजम्प्टोट्स दो टाइप्स के हैं, कौन कौन सा, पैरेलल एजम्प्टोट्स और ओब्लिक एजम्प्टोट। तो आज की जो एक्सरसाइज है ना, दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पैरेलल एजम्प्टोट्स। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले याद रखेंगे, यू हैव ए डिस्क्रीट टाइप ऑफ एग्जाम, तो आप लोगों को वहां चार मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फाइंड द पैरेलल एजम्प्टोट्स आप गिवन करो। तो बोलना बेटा क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स वाई स्क्वायर प्लस, देखो बेटा वी हैव the given curve is as, है ना, we have the given curve is as, बोलना बेटा क्या है, x y square, just a minute, मैं मेथड सिखाऊंगा, रूल सिखाऊंगा, तो एक से ही क्लियर होगा। we have the given curve is as, क्या है बेटा, x y square, x y square plus y square x plus plus x square y plus y x square में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, x y square plus y x square आपके पास गिवन कर्व है या, है ना। तो आप लोगों को थोड़ा याद होगा अपना जो जब हम पढ़ते हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो बेटा यहाँ थोड़ा देखना, जो ये गिवन करो है ना, कोई आप में से मुझे कह सकता है, हाँ जब आपने, आपको मैंने पार्शल पढ़ाया वहां पे, मैंने आपको सिखाया था ये डिग्री, तो आप लोग में कोई कह सकता है इस कर्व की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री टू, नहीं इसकी थ्री, क्योंकि आपने कहा सर ये दो मल्टीपल में एक्स का पावर वन टू, वाई का पावर टू, टू माइनस वाई थ्री, और इसका भी टू। तो बेटा द गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री थ्री, द पहला पॉइंट, द गिवन कर्व is of degree 3, is of degree 3, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। अब बेटा हमें निकालना है पैरेलल एजम्प्टोट, पैरेलल एजम्प्टोट किसको होगा, या होगा वो पैरेलल एक्स एक्सिस को, या होगा पैरेलल वाई एक्सिस। मैं वर्किंग रूल सिखा रहा हूं, यही क्वेश्चन है जिससे आप लोग पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, बिल्कुल बोर्ड की तरफ देखो। आपने कहा द गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री 3, तो बेटा जो कर्व है ना इसकी डिग्री कितनी है, 3। तो हमें देखना है कि जो हमारे पास कार्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स कार्डिनेट और वाई कार्डिनेट, हमें देखना है इस डिग्री का वो प्रेजेंट है या नहीं, मीन्स हमें देखना है द गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री 3, हमें देखना है एक्स क्यूब प्रेजेंट है या नहीं। देखो बेटा आपने कहा द गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री 3, क्लियरली एक्स क्यूब इज एब्सेंट, है ना। एक्स क्यूब क्या है, एब्सेंट। बेटा अब देखो इसके बाद हमें देखना है एक्स क्यूब के बाद क्या आता है, आपने कहा एक्स क्यूब के बाद आता है एक्स स्क्वायर, हमें उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। क्लियरली एक्स क्यूब इज एब्सेंट, एब्सेंट, बट
x square is present. And coefficient of x square is x. अब देखो x square का coefficient क्या है? y है ना? Yes, sir. और minus one. Yes, sir. And the coefficient of x square is y minus one. यही है? Yes, sir. This implies बेटा देखना. This implies y minus one equal to zero. Yes, sir. This implies y is equal to one. Is the asymptote parallel to y-axis? Is the asymptote parallel to x-axis? देखो y minus one is equal to zero. Y is equal to one. मिला ना? This is the asymptote. This is the asymptote parallel to x-axis. अब मैं सिखाऊंगा आपको कैसे. देखो आपने कहा this is a Cartesian coordinate system. है ना? Yes, this is sir x axis, this is y axis, this is x o x prime, prime y o y prime. बेटा आपको क्या मिला? Y is equal to one. तो आपने कहा this is y is equal to one. तो अगर मैं ये डालूंगा तो ये जो लाइन है ना it is parallel to this x axis. Yes, that is why this is called asymptote parallel to x axis. Parallel yes. to x axis. तो बेटा जब हमें x axis का asymptote निकालना होगा parallel to x axis हम देखेंगे. अगर बेटा अब आपका क्वेश्चन है अगर सर यहाँ पर x गिवन कर्व की डिग्री कितनी है? 3. अब आपने क्या कहा x क्यूब इज एब्सेंट है ना? Yes, अगर अब x क्यूब प्रेजेंट होता ये क्वेश्चन है ना? Yes, अगर x क्यूब प्रेजेंट होगा ना गिवन कर्व की जितनी डिग्री होगी और x का क्वेश्चन प्रेजेंट तो नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस ठीक है. Yes, अगर अब प्रेजेंट नहीं होगा अब x स्क्वायर प्रेजेंट होगा और उसका जो क्वेश्चन है ना वो कांस्टेंट है तब भी हम कहेंगे नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस ठीक है. Yes, चलो बेटा हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब हमें निकालना है देखो वहीं पे द गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री 3 यही कहा ना आपने द गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री 3. बेटा देखो वाई क्यूब प्रेजेंट है? Yes, नहीं वाई क्यूब इज एब्सेंट. अब हमें क्या देखना है? वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर है? हाँ आपने कहा वाई क्यूब इज एब्सेंट बट वाई स्क्वायर इज प्रेजेंट. ढूंढो उसका कोएफिशिएंट. y square is present and minus coefficient one. of y square is bolo beta minus 1 and x x minus 1 aapko ye dhoonda hai yahan se x yes, minus 1. This implies x minus 1 equal to 0. This implies x is equal to 1 is asymptote parallel to y axis is asymptote parallel to y axis. Dekho kaise nikalenge hum log. Aapne kaha sir agar main lunga this is Cartesian coordinate system like this x o x prime y o y prime. मुझे क्या लेना है? x is equal to one. ये यहाँ पर x is equal to one. तो जो ये line है ना it is at certain distance from the end. It is parallel to y axis. बेटा आपके लिए yes, sir. चलो बोलना और एक question. Question number two बोलो बेटा क्या है? x square plus y square. देखो बेटा आपने क्या कहा question number two the given curve is बोलो बेटा क्या है? x square plus y square whole into x equal to a y square ये है ना? Yes, आपने कहा सर इसको मैं लिख सकता हूँ this is x cube plus yes, x y square minus a y square is equal to zero. तो चेक कर लो डिग्री. आपने कहा the given curve is of degree 3 है ना? The given curve is of 3 degree 3. The given curve is of degree 3. देखो आप बेटा अब ढूंढना है हमें देखना है x cube yes, is है ना? Yes, the given curve is of degree 3. x cube is present. Right. बेटा x cube क्या है? Present. Therefore no asymptote parallel to y axis. No asymptote parallel to y axis. बहुत अच्छा है ना? Yes, चलो बेटा अब आपने कहा but y cube is absent. Absent. Y cube is absent. ना बेटा बोलो y cube क्या है? Absent. अब हमें देखना है coefficient of y square is ढूंढो y square का coefficient that is x minus a है ना? Is x minus a. This implies x minus a is equal to 0. This implies x is equal to a. Is the asymptote parallel to y axis? Is the asymptote parallel to y axis? Is the asymptote parallel to y axis? Is the देखो बेटा आपने कहा this is Cartesian coordinate system.
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एट ऑरिजन, है ना। हमें क्या लेना है, एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पर होगा दिस इज द एजम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, और यहाँ पर फिर क्या लिखा, नो एजम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि हम x का निकालते हैं ना, x इज सॉरी हम x इज x क्यूब इज प्रेजेंट, नो एजम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, एंड यहाँ पर x इक्वल टू a इज द एजम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। चलो बेटा आगे एक और क्वेश्चन, आई थिंक जो बुक है ना मेरी उसमें बाय मिसप्रिंट यहाँ पर लिखा होगा शायद नो एजम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, ये गलती हो गई, क्योंकि एक्चुअली ये x इक्वल टू इज द एजम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस एंड एजम्प्टोट। हाँ बोलना बेटा, और कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ तो ट्राई खुद कर लो, अब से किस्त बोलो क्या है, एक्स वाई क्यूब, हाँ एक्स वाई क्यूब प्लस ए क्यूब वाई प्लस ए क्यूब वाई इज इक्वल टू ए पावर फोर, ए पावर फोर, ये है ना क्वेश्चन। देखो बेटा द गिवन कर्व इज दिस, आपने कहा दिस एम्प्लाइज एक्स वाई क्यूब माइनस ए क्यूब वाई माइनस ए रेज पावर फोर इज इक्वल टू जीरो, आपने कहा द गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री फोर, द गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री फोर, द गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री फोर। देखो बेटा गिवन कर्व की डिग्री फोर है, एक्स रेज पावर फोर इज एब्सेंट, एक्स स्क्वायर इज एब्सेंट, एक्स क्यूब इज एब्सेंट, अब हमें प्रेजेंट क्या है, एक्स इज प्रेजेंट। आपने कहा द गिवन कर्व इज ऑफ डिग्री फोर, बट एक्स रेज पावर फोर, एक्स रेज पावर थ्री, एक्स रेज पावर टू इज एब्सेंट, ये सारे एब्सेंट है ना, एंड एक्स इज प्रेजेंट, एंड एक्स इज प्रेजेंट, एक्स प्रेजेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ये हमें ढूंढना है, अगर एक्स फोर नहीं है फिर एक्स क्यूब ढूंढना है, एक्स स्क्वायर ढूंढना है, फिर एक्स को ढूंढना है, एक्स इज प्रेजेंट एंड इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज एक्स वाई क्यूब, वाई क्यूब एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज वाई क्यूब, therefore y cube equal to 0 implies y is equal to 0 is the asymptote, is the asymptote, asymptote parallel to x axis, parallel to x axis, very nice, is the asymptote parallel to x axis, beta aap dhoondo, also y raise power 4 is absent, aap kya hai y cube wo to present hai, yes sir, but y cube is present and it is coefficient is क्या है इसका coefficient x है ना, x minus बस x ही बस x है और कुछ नहीं है, हमें y cube का देखना है तो x है ना, and coefficient and it is coefficient is x, therefore x is equal to 0 is the asymptote parallel to y axis, बेटा आपके लिए this is how we can find parallelism totes, ठीक है, okay अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना काफी।